एक रब्ता भी हुआ है उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ से, पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है और मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की और बताया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं ने मजमू सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और नवाज शरीफ की वापसी के लिए मौलाना फजल रहमान ने नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया और कहा कि मुल्क की जो सियासी क़यादत है वो मिलकर ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, यानी कि आइंदा आने वाले दिनों में मौलाना साथ ही हैं, ऐसा ही लग रहा है और खासे खुशगवार मूड में भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने मुबारकबाद भी दी है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, खासे पुरुमीद नज़र आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बहरानों को मिलकर ही निपटाया जा सकता है। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं सिर्फ रियासत बचाने का सोचा, ये शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात में कहा है। लेकिन मौलाना कह रहे हैं कि एक अच्छी खबर है कि नवाज शरीफ अब वापस आ रहे हैं, मिल के अब मुल्क को बहरानों से निकालना है। देखना यह है कि अब आने वाला वक्त जो है वो इतिहाद में नज़र आते हैं या शहराजा बिखरता हुआ नज़र आएगा। अहम मुलाकात है जो कि हुई है मौलाना की और शहबाज शरीफ की, और मीनवाइल ये खबर भी है कि नवाज शरीफ साहब भी अपने घर से हिथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, सऊदी अरब पहुंचेंगे।